लेकिन अभी के जो सिनेरियो हैं, जिस तरह से बीजेपी बाई हुक एंड कुक किसी भी कीमत पे सारे स्टेट की गवर्नमेंट को राज्यसभा में अपना बहुमत लेने के लिए, राज्यसभा में इस समय बहुमत नहीं है और उसको कई बिल और पास करने हैं देश को उथल पुथल करने के लिए, जिस तरह से आपने पिछले कुछ समय में देखा है कि बीजेपी बड़ी तेज़ी में है, वो 2024 से पहले पहले काफ़ी कानून बना देना चाहती है ताकि इस देश के लोगों को बिल्कुल बाध्य कर दे और बंधुआ बना दे। उधर सीए का मुद्दा आज भी फंसा हुआ है, वहीं अटका पड़ा है, पूरा देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे है लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी तक उस पर निर्णय नहीं दे पा रहा है। लेकिन इस तरह के मैटर में जहाँ पर अभी समय मिल सकता था बहुत जल्दी होगी, जबकि इससे पहले कर्नाटका में हॉर्स ट्रेडिंग ऑलरेडी बीजेपी कर चुकी है, महाराष्ट्र में सुबह भोर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, तब क्या हॉर्स ट्रेडिंग नहीं था? तो बीजेपी ने जो अभी एक महीने से ड्रामा किया है ये सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका आई हुई थी, दोनों पार्टियों के तरफ से भी था, तो क्या लग रहा है? देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा गया है एमपी की जो राजनीति उथल पुथल को लेकर के, देश में इससे पहले भी तो हॉर्स ट्रेडिंग का दौर रहा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का, अगर उसको हमें समय मिलता है, कांग्रेस ने जैसे समय मांगा था कि हमें कम से कम 2 सप्ताह का समय चाहिए, तो उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को ये कहा कि इससे हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलेगा, जबकि इससे पहले कर्नाटका में हॉर्स ट्रेडिंग ऑलरेडी बीजेपी कर चुकी है, महाराष्ट्र में सुबह भोर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, तब क्या हॉर्स ट्रेडिंग नहीं था? तो बीजेपी ने जो अभी एक महीने से ड्रामा किया है, ये बीजेपी ने जो बेंगलोर में अपनी स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंडर में कांग्रेस के 22 MLA को वहाँ रखा हुआ है, तो वो हॉर्स ट्रेडिंग तो वो कर चुकी है और जिसके बेसिस पे उसने सरकार गिराई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कांग्रेस को अपना टाइम देना चाहिए था 2 सप्ताह का, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था, और ऐसे हालात में जैसे कि अभी बीजेपी ने पूरी ताकत लगा रखी है सरकार गिराने की, बीजेपी का तो ट्रेंड बन चुका है कि चाहे अब वो नेक्स्ट निशाना राजस्थान है, अगला निशाना छत्तीसगढ़ है, उसके बाद में फिर अभी देखा आपने झारखंड को भी सुनने में आ रहा है, झारखंड की सरकार को भी कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी तो हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ बार बार जो है राज्यपाल से ये कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट में मेरा अधिकार नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार में है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी गई है उसमें ये कहा गया है कि भाई हमें समय दिया जाए, तो कम से कम 2 हफ्ते का समय दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो है, देखिए राज्यपाल सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष से फ्लोर टेस्ट में साबित करने का, सरकार को आदेश देने का, या उस दिन सरकार को किस तरह से निर्णय लेना है ये काम विधानसभा अध्यक्ष का होता है, ये विधानसभा अध्यक्ष का अपना ज्यूरिडिक्शन है। और विधानसभा अध्यक्ष ने ये कहा भी है कि राज्यपाल सिर्फ हमें कह सकते हैं, हमें बाध्य नहीं कर सकते, वो हम तय करेंगे कि ये कैसे करना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आज निर्णय दिया कि कल आप जाइए और वहाँ पर फ्लोर टेस्ट में आप कीजिए, कल कुछ नहीं होगा, केवल फ्लोर टेस्ट होगा और सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में, ताकि सुप्रीम कोर्ट में वो सीढ़ी पेश की सके। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए हैं, ये कोई पहला निर्णय नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने, इससे पहले हिमाचल प्रदेश में जब फ्लोर टेस्ट की बात आई थी तो वहाँ भी इस तरह के आदेश दिए थे। लेकिन अभी के जो सिनेरियो हैं, जिस तरह से बीजेपी बाई हुक एंड कुक किसी भी कीमत पे सारे स्टेट की गवर्नमेंट को राज्यसभा में अपना बहुमत लेने के लिए, राज्यसभा में इस समय बहुमत नहीं है और उसको कई बिल और पास करने हैं देश को उथल पुथल करने के लिए, जिस तरह से आपने पिछले कुछ समय में देखा है कि बीजेपी बड़ी तेज़ी में है, वो 2024 से पहले पहले काफ़ी कानून बना देना चाहती है ताकि इस देश के लोगों को बिल्कुल बाध्य कर दे और बंधुआ बना दे, उसके लिए उसे राज्यसभा में बहुमत चाहिए, जिसकी वजह से अभी आपने देखा गुजरात में भी उन्होंने जो है वहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग की है और वहाँ पर कांग्रेस के MLA को तोड़ दिया, उनके रिजाइन करा दिए गए हैं। तो इस वक्त अगर MP में इस वक्त शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि ये मैं कल जो है इसमें गुगली बजा रहे हैं और गुगली में कह रहे हैं कि क्रिकेट के गेम में मैं आगे निकल जाऊंगा, उधर कमलनाथ कह रहे हैं कि मैं नहीं होने दूंगा, अभी मेरी कुछ MLA हैं जिनसे मेरी बातचीत चल रही है वो हमसे बातचीत कर रहे हैं, तो देखिए कल क्या होता है। हमें तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि प्रजातंत्र बचे, इसके अलावा हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। मेरा कहना ये है कि जैसे ये राजस्थान हारे, MP हारे, दिल्ली हारे, इसके बाद बीजेपी बौखला गई है, सत्ता हथियाने का अलग हथकंडा अपनाना शुरू कर दिया है। देखिए ये बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है, जो मीडिया का दौर है, जो इंटरनेट का दौर है, ऐसे दौर में अगर बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देगी और वो चाह नहीं रही है कि कोई दूसरी स्टेट गवर्नमेंट हमारे सामने टिके। कर्नाटका में देखिए किस तरह से कांग्रेस की सरकार गिराई गई, बाकायदा PM तक उसमें इन्वॉल्व हुए, तो ये अपने आप में क्या दुर्भाग्यवश नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर असल में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक अपने आप में ऐसी लॉबी है जिसके
कानून के तहत अगर उसके सामने कोई मामला जाता है तो उसको निर्णय लेना ही देना है, आदेश देना है। कुछ मामले ऐसे हैं जो आज भी अटके हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट उन पर निर्णय नहीं ले रहा है। जैसे सीए का मुद्दा आज भी फंसा हुआ है, वहीं अटका पड़ा है, पूरा देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी तक उस पर निर्णय नहीं दे पा रहा है। लेकिन इस तरह के मैटर में जहाँ पर अभी समय मिल सकता था, बहुत जल्दी होगी। ये कल जो फ्लोर टेस्ट के बारे में बोला है, 22 MLA अभी बेंगलोर में भी हैं, उनको भी आना है। उन्होंने डायरेक्ट आकर के रिजाइन नहीं किया है, उन्होंने बीजेपी के द्वारा अपना पत्र भेजा है, बीजेपी के लोग वो पत्र लेकर के आए हैं। वो कांग्रेस के MLA डायरेक्ट आके विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने अपना रिजाइन नहीं किया। नेता दिग्विजय सिंह जो है बेंगलुरु गए थे, रामदा होटल के पास भी गए थे, विधायकों से मिलने के लिए गए थे, लेकिन सरकार और पुलिस दोनों तरीके से उसको रोकने का प्रयास किया, मिलने नहीं दिया, इसका क्या मतलब? देखिए, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट में जो कांग्रेस का पक्ष था उन्होंने रखी, और उन्होंने ये कहा कि किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग को ऑलरेडी वो हो चुकी है। कांग्रेस के MLA अगर वो कांग्रेस में नहीं रहना चाहते हैं, वो रिजाइन करना चाहते हैं, तो फ्रॉम द फर्स्ट डे वो कोर्ट विधानसभा अध्यक्ष के सामने आते और अपनी बात रखते, और अगर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में ही जाना चाहते थे तो वो पहले ही दिन वो बीजेपी के सदस्य ज्वाइन कर लेते, उनको क्या खतरा था। लेकिन 22 MLA को कांग्रेस के स्टेट में ले जा, बीजेपी के स्टेट में ले जा करके और उनको वहाँ 5-स्टार होटल में रखा जा रहा है, और दिग्विजय सिंह अगर बात करने जाते हैं उनको डिटेन कर लिया जाता है, तो ये तो सरासर एक प्रजातंत्र को समाप्त करने की है कोशिश है। 2024 तक देखिए अभी क्या क्या होना है, बीजेपी क्या क्या करेगी। ये 22 MLA जब यहाँ से गए हैं, उनको प्लेन, स्पेशल प्लेन लेके गया है, वो स्पेशल प्लेन किसने मुहैया कराया? वो कर्नाटका में, वो बेंगलोर में है, बेंगलोर में किसकी सरकार है? वहाँ पर 500 से 700 पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में हैं, वो किसके पुलिस वाले हैं? वहाँ दिग्विजय सिंह जब जाते हैं उनसे बातचीत करने के लिए, क्या उनकी पार्टी के MLA नहीं थे? क्या वो बात नहीं कर सकते? तो उसमें उनको डिटेन कर लिया जाता है। तो ये सरासर क्लियर है पूरे देश के सामने कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है ऑलरेडी बीजेपी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब का जो एक कहना था वो ठीक है कि उन्होंने कहा कि इससे अगर हम समय देते हैं तो एक अच्छा समय मिल जाएगा हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग किसकी? वो तो कांग्रेस के MLA हैं जिन्होंने अभी तक विधानसभा अध्यक्ष के सामने आकर के अपना इस्तीफा भी नहीं दिया है, उन्होंने रूबरू अपनी बात भी नहीं रखी है। एक लेटर वहाँ से जारी हुआ है बेंगलोर से जो बीजेपी के MLA ने लाके विधानसभा अध्यक्ष को दिया है, तो इसमें कैसे बात कर सकते हैं? मेरे साथ समय देना चाहिए था, बहुत जल्दबाजी होगी इसमें एक दिन का समय देके कि कल उनको समय दिया गया है कि आप फ्लोर टेस्ट कीजिए। सर उसमें जैसे जो MLA हैं उनके कुछ साइन भी मिसमैच हो रहा है, उनके साइन मिसमैच हैं। और दूसरी बात एक है कि कोर्ट के आप प्रोविजन को देखिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अगर कोई भी चिट्ठी, कोई लेटर किसी रिप्रेजेंटेटिव द्वारा कोर्ट में भेजा जाता है वो अमान्य होता है जब तक या तो वो उसका ऑथोराइज एडवोकेट वहाँ पर दे और उसका एफिडेविट हो, उसके सिग्नेचर को वेरीफाई करे, और या फिर उसकी राइटिंग, वो तो एक लॉन्ग प्रोसेस है। और यहाँ पर एक लेटर, चिट्ठी वो विधानसभा अध्यक्ष को दूसरे लोग दे रहे हैं, जबकि उन 22 MLA को अगर कांग्रेस से नाराजगी थी या वहाँ उसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष को वो डायरेक्ट रिजाइन कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। उनके सिग्नेचर मिसमैच हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है, पूरे देश को दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने सरकारों को तोड़ने का एक बहुत बड़ा मंसूबा निकाल लिया है। अब वो चाहे बंगाल की गवर्नमेंट हो, चाहे कर्नाटका की हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वो किसी भी गवर्नमेंट को चलने नहीं देंगे डंडे की चोट पे। जिस तरह से अभी आपने देखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब के किस तरह से 6 जजमेंट उन्होंने दिए, चाहे वो जजमेंट बाबरी मस्जिद को लेकर के हो, चाहे वो जजमेंट आपके राफेल को लेकर के हो, वो जजमेंट चाहे वो जस्टिस जो हमारे बबुला जस्टिस थे जिनको बारे में ये उनकी सर्कमस्टेंसेस थी, जस्टिस लोया साहब थे, उनकी किस तरह से डेथ हुई, उनकी जो SIT की जांच थी उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इंकार किया, सारे तो उन पे हैं। और वो आज राज्यसभा के अंदर बैठते हैं जिस पे आज आपने देखा कितना बड़ा हंगामा, विपक्ष ने बायकॉट किया। क्या ये चीफ जस्टिस को शोभा देता है कि कितनी गरिमा पद में पद और उसके बाद में वो राज्यसभा के मेंबर बनते हैं? पूरा विपक्ष, पूरा देश आज उन पर उंगली उठा रहा है। तो बीजेपी ने तो ये तय कर लिया है कि बाई हुक एंड कुक हमें किसी भी लेवल पे अपनी सरकारें बनानी है। अगर किसी विपक्ष की सरकार बन जाती है तो वो सरकार को हमें तोड़ करके, बहुत ट्रेडिंग करके उसकी पार्टी को समाप्त करना है। ये अच्छा संदेश नहीं है। देखिए जिस तरह से आवाज़ें उठ रही हैं, विपक्ष भी कह रहा है, और यहाँ तक के जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जो जस्टिस हैं दूसरे लोग, और जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, वो लोगों ने बड़ी तादाद में आवाज़ उठाई है कि ये कम से कम अपनी गरिमा ना रखते हुए ये सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी की गरिमा रख लेते।
ये उस बॉडी की गरिमा रख लेते हैं जिस बॉडी से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पद है वो अपने आप में इतना गरिमामय पद है, उसके सामने राज्यसभा की सीट लेकर के आपने ये साबित कर दिया, वो भी बहुत कम शॉर्ट टाइम में। अगर इसको 2 साल हो जाते, 3 साल हो जाते तो मानते, अभी उनको 4 महीने नहीं हुए हैं रिटायर हुए हुए, और वो एक राज्यसभा पहुँचते हैं तो क्या दूसरे लोग जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे हुए हैं, क्या ये विश्वास बन पाएगा? क्या हम उस निगाह से सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को देख पाएंगे? क्या ऐसा नहीं है, देश के अंदर आज भी बहुत अच्छे जजेस हैं, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, लोअर कोर्ट में, जिनके ऊपर हमारी सारी आस्था टिकी हुई है, वो बहुत अच्छे जजेस हैं हमारे यहाँ इंडिया में। लेकिन इस तरह का जो कदम है ये बिल्कुल तहस नहस करने वाला है, ये देश को कहीं और ही लेके जाएगा। सर, उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी को मैसेज भी दिया था कि देश के अंदर जो असहमति का दौर है वो राष्ट्र विरोधी कहना लोकतंत्र के पर हमला है। बिल्कुल, देखिए उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के उनके शब्द अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने ये भी कहा था कि देश का प्रजातंत्र खतरे में है, इसलिए हमें आना पड़ा और हम चाहते हैं जनता को ये बताएं कि देश कहाँ जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या था? क्या वो स्टैंड कर रहे हैं, क्या अपनी बात पर स्टैंड कर रहे हैं? उन्होंने एक बार कोर्ट के अंदर ये बात कही थी कि जो रिटायरमेंट के बाद जो ऐसे पदों पे लोग पदासीन हैं, रिटायर होने के बाद अगर वो सरकार से कुछ पद मिलते हैं तो वो गलत है और मैं इसको नहीं करूँगा। ये देखिए उनका ये नेट पे आपको मिल जाएगा, इन्होंने खुद माना था कि बाद में रिटायरमेंट के बाद पद नहीं लेने चाहिए। कानून नहीं है, कानून अभी इस तरह से कोई कानून बना नहीं है, रिटायरमेंट के बाद पद मिलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ मेंशन भी है कि रिटायरमेंट के बाद कुछ पद ऐसे हैं जो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को ही उस पर बैठना होता है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना, इनको पद पे चीफ जस्टिस जो चेयरमैन बनते हैं वो रिटायर्ड जजेस होते हैं। तो यहाँ तो है, इस तरह के कानून है, तब उसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया है। लेकिन जस्टिस गोगोई साहब ने जिस तरह से किया है, जो आज ये फ्लोर टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कल के लिए आदेश किया है और बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग की है, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य है। आने वाले समय के लिए प्रजातंत्र को बचाना बहुत मुश्किल पड़ गया है।